अरविंद, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, किसकी शय पर वो इतने अथॉरिटी में, उसने वहां पर इतने फ्लैट अपने जगहों पर अवैध निर्माण कर लिया, किसकी शय थी? अभी भी आप देखिए अलग अलग जगहों पर उसको ठेके मिल जाते हैं, शय किसकी लग रही? देखिए, जाहिर सी बात है, अपने आप को वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताता था और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगालें तो ऐसा ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने आकर सीधे सीधे बोल दिया था और किनारा कर लिया था कि बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर उसने अपना रसूख बना रखा था। नोएडा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 2019 में जो शिकायत दी थी इस सोसाइटी के लोगों ने, सोसाइटी दिखाई है रितेश, ये जो सोसाइटी है काफी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ जो त्यागी का अवैध ये इंक्रोचमेंट जो ढाया गया है, लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 2019 से लगातार शिकायत की जा रही थी, न सिर्फ अवैध निर्माण की बल्कि गुंडई देखिए कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता था, बिजली का जो बिल है श्रीकांत त्यागी वो भी नहीं देता था और कोई मांगता था तो धमकाता था। तो इस स्तर का वो रसूख था, लोग काफी भयभीत रहते थे सोसाइटी में और शायद यही वजह है कि जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा और बुलडोजर का एक्शन हुआ तो यहाँ मौजूद महिलाएं तालियां बजाने लगी। हमने उन महिलाओं से बातचीत की है तो रसूख तो पुलिस में भी श्रीकांत त्यागी का था और नोएडा अथॉरिटी में भी था, शायद यही वजह है कि 2019 से लगातार। यानी अरविंद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जब वहां बुलडोजर चला तो स्थानीय लोग, यानी जहां वहां जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हुए, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो सबसे बड़ी लड़ाई सोसाइटी के लोगों ने लड़ी है, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो एक्शन हो रहा है इस पर आपका कैसा लगा? हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। योगी जी के सेक्शन पे ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगी मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं, अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जाके इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता, उतने को अंत चुका हुआ। योगी जी एक नंबर का गुंडा, योगी जी रेडी हो, ये त्यागी एक नंबर का गुंडा। अच्छा, इसके घर को भी सील कर देना चाहिए और यहाँ से इसको रिमूव करना चाहिए। हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, आप अगर शाम को देखिए इतने ग्रुप बने हुए हैं, सब मजे से रहते हैं, इसने इतना गंद डाला है तो हम सब लोग इकट्ठे ही जमा। आप क्या कहेंगे मैम? सर, हम बहुत खुश है, देर है पर अंधेर नहीं और अति का अंत हुआ, अति का अंत होगा। जी सर, तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं सोसाइटी की जो काफी परेशान थी, आप क्या कहेंगी मैम? ये तो बुलडोजर चला, बहुत अच्छा एक्शन है योगी जी का और बस हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। मैम, आप क्या कहेंगी इस एक्शन पर, आपका क्या कहना है बुलडोजर? आपने एक्शन आपको बताई दिए थे कि हाँ खुशी है, बहुत शांति मिल गई है सोसाइटी में, इतना कुछ हुआ 2-3 दिन में, इतना प्रेशर था, इतनी परेशानी थी, इतना वो लड़की सफर करा उस लड़की ने, बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ा एक्शन है। श्रीकांत त्यागी का गुंडा करती है सच नहीं, पर हाँ इसी तरीके की हरकतें, जैसे किसी ने अगर उसके बच्चे को कुछ कह दिया तो उसकी पिटाई कर देना, इस तरीके की दबंगई उसकी चलती थी, मेंटेनेंस में बिजली का बिल नहीं देना, ये सब चीजें चलती रहती थी जो कि बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आती थी, लेकिन हाँ इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि उसने एक महिला को इतने गंदे गंदे अभद्र लैंग्वेज शब्द बोले हैं, तो वो आप पानी सिर से ऊपर उठ चुका था, तो अब ये सब होना था और हो गया, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा रहा। ये तमाम महिलाएं, जरा सोसाइटी की आप दिखाएं, यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हैं और इन सभी ने एक साथ मोर्चा खोला है और शायद इन्हीं के मोर्चा खोलने का असर है कि 2019 से लगातार शिकायत दी जा रही थी और 2022 में आखिरकार जो श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।